There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस। देखो, अगर घर में मूवी थिएटर हो तो घर में रहने का मज़ा डबल हो जाता है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर मूवीज़ एंजॉय करते हो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। आज मैं आपको जो घर दिखाने वाला हूँ, ये यूरोपियन स्टाइल में रहेगा। इस घर का जो लेआउट है, बहुत ही स्पेशियस और लग्जरियस डिज़ाइन किया हुआ है। इस घर में आपको स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, ओपन कम किचन, मूवी थिएटर एरिया, बार एरिया, जिम एरिया, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इस घर की एक और ख़ास बात है, ये घर तीन साइड से ओपन रहेगा। और बाकी इस घर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्राइस के रिलेटेड या लोकेशन के रिलेटेड, वो सारी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, वहाँ जाके आप रीड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए विला का टूर शुरू करते हैं। घर के एरिया से शुरू करते हैं। टोटल जो एरिया रहेगा, लैंड का एरिया, वो 400 गज का रहेगा। डिमेंशन जो रहेगी इसकी 40 बाई 90 की रहेगी। काफ़ी फ्रंट वाइड रहेगा इसका 40 फुट का। बड़े मेरी से शुरू करते हैं। बड़े मेरी में आपको ग्रेनाइट दिया हुआ है, डिज़ाइनर रहेगा ये भी। दो गाड़ियाँ आपकी ईजिली बाहर लग जाएंगी, दो गाड़ियों की कार पार्किंग आपकी अंदर दी हुई है। ग्रीन एरिया भी मेंटेन किया हुआ है, जहाँ पे आपका छोटा सा ग्रीन एरिया बनाया हुआ है उसको हाईलाइट करने के लिए LED लाइट्स लगाई हुई हैं। दीवार में भी आपको, पिलर्स में भी आपको ग्रेनाइट रहेगा। अगर हम फ्रंट एलिवेशन से शुरू करें तो फ्रंट एलिवेशन में आप देखोगे यूरोपियन स्टाइल का यूज़ किया हुआ है। राइट साइड में देखिए, बिल्कुल हट का डिज़ाइन दिया हुआ है, जैसे आपने यूरोपियन घर देखे होंगे। उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक तो डार्क ब्राउन में हो गए स्टोन्स हो गए, एक लाइट क्रीम कलर में हो गए। और लेफ्ट साइड का पोर्शन देखोगे, उसमें काफ़ी ह्यूज साइज की बालकनी रहेगी, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हो, सिटिंग एरिया बना सकते हो, जिम एरिया बना सकते हो आर्टिफिशियल ग्रास लगा के। आगे स्लाइडिंग डोर रहेगा, एक नॉर्मल एंट्री हो गई, एक स्लाइडिंग डोर हो गया, ये भी मोटराइज हो रहेगा। आप मोटर से अपडेट, फ़ोन से अपडेट कर सकते हो इसको। आगे ये हमारी दो गाड़ियों की कार पार्किंग है। दो गाड़ियों की कार पार्किंग लगने के बाद भी इतनी स्पेस है कि आप इजीली मूव कर सकते हो। नीचे इसमें ग्रेनाइट रहेगा। लेफ्ट साइड की दीवार को भी सिंपल नहीं छोड़ा हुआ, इसको भी डिज़ाइन दिया हुआ है इसके ऊपर। बिल्कुल सामने भी वैसे ही LED लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। फॉसलिंग का डिज़ाइन तीन हिस्सों में बनाया हुआ है। पहला पोर्शन हो गया, उसमें आपका वुडन का रहेगा, जिसमें आपके WGBC पैनल लगे हुए हैं। बीच में POP का काम है, उसके आगे ही वुडन का रहेगा और POP का रहेगा, बीच में डिज़ाइनर लाइट्स रहेगी। पंखा भी लगाया हुआ है। इस साइड वॉशिंग एरिया आप इसको बोल लीजिए, बेशक टू व्हीलर पार्क करना है तो वो कर लीजिए। इसमें भी आप दीवारों में देखोगे तो LED लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि ऊपर तक जाती हैं। दो हिस्सों में आपने, आपको मैंने बोला था, स्टोन्स का यूज़ किया हुआ है, एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। ये क्रीम कलर में हो गए, वो डार्क ब्राउन कलर में हो गए। आगे स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रो में बोला था, तो तीन जगह से आपका घर ओपन है, एक तो फ्रंट से, एक बैक से, एक साइड से हो गया। इस साइड से ओपन रहेगा घर, विंडोज रहेगी नेचुरल लाइट अंदर जाने के लिए। ये मेन एंट्री आ गई। मेन एंट्री पहला स्टेप आपका ग्रेनाइट का रहेगा, फिर आपका इटालियन मार्बल शुरू हो जाएगा। इसमें भी आप जो वुडन डोर देखोगे, काफ़ी हैवी क्वालिटी का रहेगा। तो घर के अंदर चलते हैं। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो ये आपको छोटा सा फॉयर एरिया मिल जाता है। नक्शा समझाता हूँ एक बार मैं आपको घर का।
लेफ्ट साइड में ड्राइंग एरिया है, फिर लिफ्ट एरिया जाता है, बेडरूम है और सामने मास्टर बेडरूम है। राइट साइड में मेरे गेस्ट बेडरूम है, सामने लिविंग एरिया है, काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग एरिया है और ओपन कम किचन का कंसेप्ट है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं ड्राइंग एरिया से। ये आपको स्पेशियस ड्राइंग एरिया रहेगा, इसमें आप नीचे देखोगे तो इटालियन मार्बल दिया हुआ है, स्पेस इतनी है कि आपका 12 सीटर सोफा सेट लग जाएगा यू शेप में। और नेचुरल सनलाइट का देखिए कितने अच्छे से ध्यान रखा गया है, तीन साइड से घर ओपन है, एक तो सामने विंडो दे दी, एक साइड में दे दी कि नेचुरल लाइट आती रहे, क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे। ऊपर फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन आप देखिए, वो काफ़ी डिफरेंट दिया हुआ है, एम्बिएंट लाइट का यूज़ किया हुआ है, एलईडी लाइट्स का यूज़ किया गया है और बीच में वॉलपेपर का भी यूज़ रहेगा। इस साइड जो एंट्री बनाई हुई है उसमें भी ग्लास का यूज़ किया हुआ है कि एक प्रीमियमनेस आती रहे घर में। आगे चलते हैं, ये हमारा लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, पहले गेस्ट बेडरूम कवर कर लेते हैं। ये आपके घर का गेस्ट बेडरूम है, स्पेस देख सकते हो कितनी स्पेशियस बनाया हुआ है, बेड लगने के बाद कितनी स्पेस बच जाती है, दो चेयर्स लगाई हुई हैं, उसके बाद भी वॉकिंग स्पेस काफ़ी बच गई। पीछे काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया हुआ है, तीन चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, पहले तो पीछे वॉलपेपर है, ऊपर लेदर का यूज़ किया हुआ है, नीचे काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, बेड के पीछे भी लेदर का यूज़ किया हुआ है, साथ में साइड्स में स्टोरेज बनाई हुई है, वैसा ही डिज़ाइन कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है ऊपर फॉल्स सीलिंग में। फॉल्स सीलिंग में भी आपको लेदर देखने को मिल जाएगी, एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाएगी, बीच में एलईडी लाइट्स रहेंगी, बिल्कुल सामने उसके एलईडी पैनल आ जाता है, वैसा ही सेम लेदर का यूज़ इसमें भी किया गया है, सामने आपकी एलईडी लग जाएगी, नीचे स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है। नेचुरल सनलाइट इसमें भी ध्यान रखा गया है, उसके लिए ये इस साइड आपकी विंडो आ जाती है, इससे आपकी वेंटिलेशन भी रहेगी और सनलाइट भी प्रॉपर आएगी। आगे एंटर होते ही आपका वॉशरूम आ जाता है, ये गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम रहेगा, काफ़ी स्पेशियस बनाया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन ड्यूल यूज़ किए गए हैं, ब्लैक का हो गया, ब्राउन का हो गया। इस साइड बाथ एरिया है, जो फिटिंग है सैनिटरी फिटिंग है वो अभी लगनी बाकी है, जैसे ही हम पोजेशन देंगे तब लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ें ब्लेंडर लगी हुई हैं। ये आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया, नीचे स्टोरेज बनाई हुई है, जो वार्डरोब्स हैं वो इस साइड रहेंगे, स्लाइडर रहेंगे वार्डरोब्स। घर में हर एक रूम में, वॉशरूम में आपको डेढ़ डेढ़ टन के एसी रहेंगे, जैसे लिविंग एरिया हो गया काफ़ी स्पेशियस है, उसमें आपको दो टन का एसी हो गया, सेंट्रलाइज्ड एसी हो गए, वो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो रही हैं। आगे ये हमारा लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया बैक साइड में रहेगा, ये लिविंग एरिया है, इसमें आपका 5 सीटर आराम से सोफ़ा सेट लग जाएगा, बेशक आप 7 सीटर लगा लीजिए, अगर 7 सीटर लगाओगे तो वॉकिंग स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से 5 सीटर सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल सामने उसके एलईडी पैनल है, एलईडी पैनल में फिर सेम वुडन का यूज़ किया हुआ है, लेदर का यूज़ किया हुआ है, वाइट में लेदर रहेगी, नीचे स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है, वुडन भी काफ़ी प्रीमियम रहेगी इसमें। आगे लिफ्ट एरिया है, लिफ्ट भी काफ़ी स्पेशियस बनाई हुई है कि अगर 4-5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं तब भी वो इकट्ठे ऊपर नीचे जा सके। पीछे स्टेयर्स बनाई हुई हैं जो फर्स्ट फ्लोर को करती हैं, इसमें भी टफन ग्लास रहेगा, इंटीरियर का काम इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, बीच में आपकी रेलिंग यूज़ की हुई है स्टील की, ये स्पेस बनाई हुई है, इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, लाइब्रेरी या एरिया सेक्शन बनाना है वो बना लीजिए, पूजा रूम आपको सेपरेट दिया हुआ है, इसमें आप बार एरिया भी वैसे आपको सेपरेट दिया हुआ है, अगर आप अपने शौक से बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो इसमें। इस साइड आगे पाउडर रूम है, पाउडर रूम का जो थीम है वो जैसे आपने गेस्ट बेडरूम में ब्लैक का थीम देखा था वैसा वैसा ही यूज़ किया हुआ है, इसमें भी फिटिंग हम पोजेशन के टाइम आपको लगा के देंगे। ग्लास मिरर लगाया हुआ है, वो भी डिजाइनर रहेगा, सिंपल नहीं रहेगा, ऊपर क्वाड यूज़ किया गया है, नीचे इसमें सारी आपकी स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगी, इसमें जितनी फिटिंग हुई है वो सारी सॉफ्टवेयर में रहेगी। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, अब डाइनिंग एरिया इस साइड से स्टार्ट होकर इस साइड तक है, तो मेरे हिसाब से 12 सीटर आपका डाइनिंग टेबल आराम से लग जाएगा, फिर भी आपको वॉकिंग स्पेस काफ़ी बच जाएगी। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने क्रॉकरी अलमीरा बनाई हुई है, इसमें भी ऊपर लैकर्ड ग्लास का यूज़ किया हुआ है, बीच में एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं कि एक खूबसूरत लुक आती रहे, बीच में मिरर भी रहेगा।
जितनी भी वुड है वो सारी प्रीमियम रहेगी, जैसे आपने एलईडी पैनल में देखी थी, दरवाजों में देखी थी, वही सेम यूज़ की हुई है। बीच में इस साइड भी सेम बनाई हुई क्रॉकरी एलुमिनियम का, ऊपर आपके लैकड़ ग्लास हो गया, नीचे स्टोरेज रहेगी, सेम पोर्शन इस साइड हो गया। फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन चेंज हो गया डाइनिंग एरिया में, जैसे लिविंग एरिया में चेंज था डाइनिंग एरिया में चेंज हो गया। लिविंग एरिया में सेंट्रलाइज्ड एसी था, इस साइड हमने दो टन का दे दिया मित्सुबिशी का हैवी क्वालिटी का। आगे ओपन कम किचन का कंसेप्ट है, इसमें किचन आप देखिए काफ़ी स्पेशियस है, लेडीज़ को काफ़ी पसंद आएगी। स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी बनाई हुई है, तीन साइड आपकी स्टोरेज रहेगी, चार साइड, एक इस साइड हो गया, दो इस साइड हो गए, एक इस साइड हो गया। इस साइड स्पेस बनाई हुई है रेफ्रिजरेटर रखने के लिए, जो आपके डबल डोर आते हैं। ड्राई और वेट किचन का कंसेप्ट है, ये आपका ड्राई पोर्शन हो गया सारा, वेट आपका पीछे चला गया। इनबिल्ड ही आपको हॉब रहेगा, चिमनी रहेगी सामने, इनबिल्ड आपको माइक्रोवेव मिल जाएगा, ओटीजी मिल जाएगा, ओवन मिल जाएगा। इसके साथ पेंट्री सेक्शन बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी हैवी रहेगा, इसमें आपकी दालें वगैरह आ जाएंगी आराम से। एक स्टोरेज स्पेस इस साइड बनाई हुई है, इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी जितनी नीचे स्टोरेज है ये सारी सॉफ्ट क्लोज में रहेगी, हैटिक ब्रांड की रहेगी किचन सारी। इस साइड भी ऊपर रहेगी, ये ऊपर वाले आपके हाइड्रोलिक आ जाते हैं, एलईडी लाइट्स का इसमें भी यूज़ किया हुआ है कि घर की एक खूबसूरती बरकरार रहे। ऊपर क्वाड रहेगा, ये आपका सिंक आ गया सिंगल सिंक, क्योंकि ड्राई और वेट कंसेप्ट है। ये आपका वेट एरिया आ गया, इसमें डबल सिंक रहेगा, फिटिंग आप हम पोजेशन के टाइम लगा के देंगे। इसमें भी बनाई हुई है कि आप अपना चिमनी लगी हुई है, हॉब रख सकते हो, अगर वहाँ का सेक्शन आपने अच्छा सा क्लीन रखना है तो यहाँ पे किचन बना सकते हो छोटी सी। नीचे इसमें भी फिटिंग सारी लगी हुई है ब्रांडेड, पाइपलाइन आपकी सारी पड़ी हुई है, पीछे आपकी सिलेंडर लग जाएगा। बैक यार्ड को इस साइड से भी एक्सेस है, उस साइड से भी एक्सेस है। एक बार इस साइड से दिखा देता हूँ आपको मैं, ये आपका बैक यार्ड रहेगा, इसमें आप वॉशिंग मशीन आराम से रख सकते हो, स्पेस काफ़ी बनाई हुई है, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए भी स्पेस रख सकते हो। एंट्री पीछे से ही रखी हुई है, जैसे थ्री साइड से ओपन कहा था मैंने, अगर सर्वेंट की एंट्री बाहर से नहीं रखनी तो पीछे से रख सकते हो आप, इस साइड से वो एंट्री लेके सीधा ऊपर छत में चला जाएगा, उस साइड आपका सर्वेंट का क्वार्टर बनाया हुआ है, वहाँ रख सकते हो। पीछे गार्डन एरिया है, पंखे ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं सारे घर में। ये मास्टर बेडरूम रहेगा इस घर का, आपने गेस्ट बेडरूम देखा था कितना स्पेशियस है, अब मास्टर बेडरूम देखिए। ड्राइंग एरिया आपने देखा था, उससे आपको डबल ही लग रहा होगा, इतना स्पेशियस बनाया हुआ है। इस साइड स्पेस बनाई हुई है, आप अगर स्टडी टेबल बनाना चाहते हो अपनी घर अपने बेडरूम में ही, छोटी सी आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो, गेमिंग का सेक्शन सा बनाना है वो बना लीजिए, जैसे मर्जी यूटिलाइज कर लीजिए। बेशक सोफ़ा सेट रख लीजिए, चाहे सुबह के टाइम अपने बेडरूम में आप इंजॉय करना चाहते हो चाय कॉफ़ी, तो यहाँ पे कर सकते हो। बेड रखने के बाद भी काफ़ी स्पेस है। अब इसमें कलर थीम देखिए किस तरह से यूज़ किए हैं, बेड का डिज़ाइन हो गया, बेड के पीछे आप जो लेदर देख रहे हो सेम उसका यूज़ ऊपर आप देख रहे हो फॉसलिंग में भी हो गया और सामने एलईडी पैनल में भी हो गया। एलईडी पैनल में भी सेम रहेगा, जो वुडन का टेक्सचर है वही सेम आपको बेड में भी मिल जाता है, उसका सेम डिज़ाइन आपको फॉसलिंग में भी मिल जाता है। तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सेम सिमिलर से रखे गए हैं। ऊपर फॉसलिंग में आपको सेम एम्बियंट लाइट आ गई, एलईडी लाइट्स आ गई और वुडन का यूज़ किया हुआ है। अब इसमें भी थ्री साइड ओपन घर है तो बेडरूम में सनलाइट की दिक्कत ना आए उसके लिए विंडोज़ भी डबल रहेंगी आपकी, एक तो इस साइड आ गई एक उस साइड आ गई, वेंटिलेशन क्रॉस रहेगी इससे। आगे इसकी एंट्री देखिए, ड्रेसिंग एरिया की कैसे बनाई हुई है, कंबाइन सा लगता है सारा पोर्शन, तो बीच में ही डोर दिया हुआ है, जैसे ही आप आगे चलते हो तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया, वॉशरूम आ गया। ड्रेसिंग एरिया में सेम जो कलर्स थे एलईडी पैनल में थे बेडरूम में थे वही सेम आगे यूज़ किए हुए हैं। स्टोरेज स्पेस काफ़ी है, इस साइड भी स्टोरेज स्पेस है और सामने मिरर रहेगा, ड्रेसिंग एरिया रहेगा,
ड्रेसिंग एरिया के पीछे भी एम्बियंट लाइट का यूज़ किया हुआ है। ऊपर मीटर रहेगा, नीचे स्टोरेज रहेगी, इस साइड भी स्टोरेज बनाई हुई है। एसी इसमें भी रहेगा। अब देखिए आप, आपको ड्रेसिंग एरिया में भी एसी मिल रहे हैं, बेडरूम में भी हो गए, वॉशरूम में भी हो गए, सभी जगह आपको मिल रहे हैं। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, बाथ एरिया सेपरेट बनाया हुआ है ग्लास पार्टीशन के साथ में। इस साइड आपकी फिटिंग लगेगी जो पोजेशन के टाइम हम लगा के देंगे। ऊपर उसके क्वार्टर यूज़ किया हुआ है, सामने डिजाइनर मिरर लगा हुआ है, पीछे उसके एम्बियंट लाइट का यूज़ किया हुआ है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो रहेंगे वाइट का रहेगा और ब्राउन का रहेगा। नेचुरल सनलाइट के लिए पीछे विंडो दी हुई है। ये हमने दो बेडरूम नीचे का देख लिए। तीन बेडरूम का कंसेप्ट फर्स्ट फ्लोर पे है और साथ में मूवी थिएटर का रहेगा, और जो जिम एरिया है बाकी चीज़ें हैं वो सेकंड फ्लोर पे रहेंगी। तो चलते हैं ऊपर जाके आपको तीन बेडरूम और मूवी थिएटर दिखाता हूँ। स्टेयर्स में भी आपको इटालियन मार्बल रहेगा और वुडन रहेगी। इस साइड एसएस रेलिंग रहेगी, बीच में आपका टफन ग्लास रहेगा। स्टेयर्स का पोर्शन अलग बनाया हुआ है, उसकी फॉसलिंग का डिज़ाइन देख सकते हो आप, उसमें वुडन का रहेगा, बीच में एलईडी लाइट्स रहेंगी। बीच में स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे आप शैंडल वगैरह लगाओगे अपना। ये आपका ऊपर का सिटिंग एरिया आ गया। एक बार मैं ऊपर का नक्शा भी समझा देता हूँ। जैसे ही आप ऊपर एंटर किए, एक फर्स्ट दो बेडरूम आपके फ्रंट फेसिंग हो गए, एक बेडरूम बैक साइड हो गया, और मूवी थिएटर का वाला पोर्शन भी बैक साइड में रहेगा। तो इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ये आपके घर का किड्स बेडरूम बोल सकते हो। मेरे हिसाब से इतने बड़े बेडरूम या किड्स बेडरूम तो बोल ही नहीं सकते। पेरेंट्स बेडरूम हो गया, मास्टर बेडरूम हो गया, गेस्ट बेडरूम हो गया, इसको आप किड्स बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हो। स्पेस देखिए कितनी है, जैसे नीचे बेडरूम का साइज़ देखा था सेम साइज़ का रहेगा। बस इसमें क्या हुआ, कलर थीम चेंज हो गए, जो रखे हुए कलर थीम रखे थे वाइट का हो गया, ब्राउन का हो गया, नीचे अलग थे ऊपर वाइट और ब्राउन का हो गया। पीछे वुडन में आप देख सकते हो इंटीरियर किया हुआ है, उसके पीछे वॉलपेपर है, इस साइड लेदर का यूज़ किया हुआ है, बेड का पोर्शन जो बनाया हुआ है। इसके पीछे भी एम्बिएंट लाइट लगी हुई है, लाइट्स वगैरह जलनी, लाइट्स जल गई, एम्बिएंट लाइट का यूज़ किया हुआ है। बेड लगा हुआ है, बेड लगने के बाद स्पेस काफ़ी देख लिए बच जाती है। दो चेयर्स लगाई हुई हैं, इसमें बेशक सेंटर टेबल भी लगा लीजिए, तब भी काफ़ी स्पेस बच जाएगी। इस साइड आप देखिए एलईडी पैनल में सेम डिज़ाइन हो गया, वैसे ही कलर थीम यूज़ किए हुए हैं। इसके ऊपर लेदर का यूज़ किया हुआ है वाइट का, पीछे ब्राउन वुड का रहेगा। ऊपर फॉसलिंग का डिज़ाइन भी चेंज हो जाता है। नीचे बेडरूम में ऊपर लेदर यूज़ की हुई थी, इस साइड वुड यूज़ की हुई है, और छोटे छोटे शैंडल लगाए हुए हैं खूबसूरत बनाने के लिए। लोग एलईडी लाइट्स है, एम्बियंट लाइट है, सेम इस साइड जैसे नीचे बेडरूम में था सेम विंडो बनाई हुई है नेचुरल लाइट अंदर आने के लिए। ये आपका फ्रंट फसाड रहेगा, ये बाद में दिखाता हूँ। इसके आगे वॉशरूम आ गया। वॉशरूम का साइज़ सेम नीचे इतना गेस्ट बेडरूम के हिसाब में ही रहेगा, हिसाब से रहेगा, सेम साइज़ का रहेगा। इसमें कलर थीम चेंज हो गया, लाइट ब्राउन का आ गया और डार्क ब्राउन का आ गया। सेम बाथ एरिया हो गया, फिटिंग लगने वाली है। इस साइड आपका ड्रेसिंग एरिया हो गया, मिरर लगा हुआ है, उसके पीछे एम्बिएंट लाइट का यूज़ किया हुआ है। इसमें कलर थीम रहेगा वाइट का रहेगा, ब्राउन का रहेगा। स्लाइडर वार्डरोब्स रहेंगे, एसी इसमें भी प्रोवाइड किया हुआ है। नेचुरल लाइट के लिए विंडो रहेगी पीछे। आगे चलते हैं। ये इस साइड से आपकी फ्रंट बालकनी है। फ्रंट बालकनी आपकी काफ़ी बड़ी है, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। बेशक जिम एरिया बना लीजिए, आर्टिफिशियल ग्रास लगा के सिटिंग एरिया बना लीजिए, काफ़ी वाइड है। नीचे उसके सारे में ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। फोर्थ बेडरूम ये आ गया। ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, बेड लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस है। दो चेयर्स रखी हुई हैं, यहाँ पे सेंटर टेबल आ जाएगा। इस बेडरूम का थीम जो रहेगा लाइट ब्राउन का रहेगा और डार्क ब्राउन का रहेगा। अब डार्क ब्राउन में आपको लेदर मिल जाती है, लाइट ब्राउन में आपको ये वॉलपेपर मिल गया, ऊपर फॉसलिंग में आपको वुड मिल जाती है डार्क ब्राउन में। फॉसलिंग का डिज़ाइन चेंज हो गया, इस साइड का डिज़ाइन चेंज हो गया। नेचुरल लाइट के लिए पीछे आपकी फ्रंट फसाड में आपकी विंडो रहेगी। एलईडी पैनल का डिज़ाइन देख लीजिए, डार्क ब्राउन में आपकी वुडन हो गई, लाइट ये भी डार्क ब्राउन में ही है, ऊपर लेदर का यूज़ किया हुआ है। सामने आपकी एलईडी लग जाएगी, नीचे स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है। आगे ड्रेसिंग एरिया है। ड्रेसिंग एरिया में आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, ग्लास का डिज़ाइन भी चेंज हो गया।
स्लाइडर वार्डरोब से हैं। ये स्टोरेज स्पेस काफ़ी बनाई हुई है, ये भी सॉफ्ट क्लोजर में रहेंगे। इस साइड भी बनाए हुए हैं, ड्रेसिंग एरिया इस साइड हो गया, पंखा भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, फॉसलिंग का डिज़ाइन भी चेंज हो गया। आगे वॉशरूम आ गया, वॉशरूम का कलर थीम देखिए फिर चेंज हो गया, ग्रे का रहेगा, ब्राउन का रहेगा। बाथ एरिया इस साइड आ गया, ऊपर क्वाड यूज़ किया हुआ है, मिरर लगा हुआ है, कुछ पीछे उसके एम्बिएंट लाइट का यूज़ किया हुआ है। डक एरिया इस साइड से बना हुआ है नेचुरल लाइट अंदर आने के लिए, फिटिंग आपकी लगेगी अभी। अब ऊपर वाला मास्टर बेडरूम भी देख लेते हैं, ये आपका सिटिंग एरिया है। पूजा स्पेस की बात कर रहा था मैं नीचे, वो इस साइड बनाई हुई है। पूजा स्पेस भी काफ़ी स्पेशियस है, पीछे आप इंटीरियर भी कर सकते हो अपने भगवान की फ़ोटो लगा के, इस साइड आप टेबल वगैरह लगा के जोत वगैरह रखने के लिए स्पेस बना सकते हो। ऊपर फॉल्सिलिंग में आपको वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है और एम्बिएंट लाइट लगाई हुई है, एसी भी इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। लिफ्ट का सेक्शन रहेगा, ये सिटिंग एरिया आ गया, ये होम थिएटर रहेगा, पीछे बैक साइड की बालकनी रहेगी, ये आपका मास्टर बेडरूम रहेगा। मास्टर बेडरूम नीचे वाले बेडरूम सेम साइज रहेगा इसका, इसमें बस कलर थीम चेंज हो जाता है, ग्रे का हो गया, ब्राउन का हो गया। बेड के पीछे आप देखिए जो लेदर की यूज़ की हुई है उसमें ग्रे रहेगा कलर, और बाकी जो पोर्शन आ गया उसमें ब्राउन का रहेगा। ऊपर फॉल सीलिंग में भी आप देखिए बैक साइड में सेम ग्रे ऊपर लेदर यूज़ की हुई है, बाकी एम्बिएंट लाइट का यूज़ है और एलईडी लाइट्स का यूज़ है। सामने एलईडी पैनल में भी देख लीजिए वाइट कलर थीम रहेगा और ग्रे का रहेगा, ग्रे में आपकी लेदर आ गई, एलईडी लग जाएगी। नीचे स्टोरेज स्पेस बनाई हुई है, डक एरिया इस साइड बनाया हुआ है जैसे आपकी नेचुरल लाइट अंदर आने के लिए, वैसे पीछे विंडो भी रहेगी नेचुरल लाइट के लिए। आगे इस साइड ड्रेसिंग एरिया है, ड्रेसिंग एरिया में वार्डरोब्स का डिज़ाइन वाइट थीम में रहेगा, सॉफ्ट क्लोजर में रहेंगे ये भी, नीचे से स्पेस बनाई हुई है। इस साइड ड्रेसिंग एरिया आ गया आपका, मिरर लगा हुआ है, लेडीज़ के सामान रखने के लिए स्पेस बनाई हुई है, एसी इसमें भी रहेगा। आगे वॉशरूम है, वॉशरूम में कलर थीम सेम ड्रेसिंग एरिया की तरह रहेगा वाइट का, क्वाड का यूज़ है, इस साइड फिटिंग लग जाएगी, बाथ एरिया आपका इस साइड बनाया हुआ है, फिटिंग आपकी इस साइड लगेगी। ये आपका मूवी थिएटर का एरिया है, ये छोटा सा स्टोर बनाया हुआ है, जैसे बाहर कुछ आप सामान नहीं रखना चाहते या बेडरूम में भी नहीं रखना चाहते, जैसे इन्वर्टर हो गया, वैसे तो इन्वर्टर की यूज़ पड़ती नहीं है, फिर भी आपने कोई एक्स्ट्रा सामान हो गया तो वो यहाँ पे रख सकते हो आप, ये भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। स्टेयर्स में भी आपको रेलिंग रहेगी, एसएस रेलिंग रहेगी, और इसमें भी आपको इटालियन मार्बल ही रहेगा ऊपर तक। आगे चलते हैं, दरवाजे से एंट्री लेते ही आप नॉइस प्रूफ रूम में आ जाते हो जो आपका मूवी थिएटर रहेगा, कोई भी अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती तो आपको पूरा फील आएगा मूवी देखने का। 10 सीटर सोफ़ा सेट लगाया हुआ है, अगर आप पूरी फैमिली भी देख बैठ कर देख रही है मूवी, साथ में गेस्ट भी आ जाते हैं तो उनका भी सिटिंग का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। सामने टेबल लगाए हुए हैं कि जैसे आपने ड्रिंक्स वगैरह रखनी है, पॉपकॉर्न रखने हैं मूवी देखते हुए खाने के लिए तो वो रख सकते हो। सामने काफ़ी ह्यूज साइज़ की एक स्क्रीन लगी हुई है, उसके साथ में ही छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई हुई हैं काफ़ी अच्छा खूबसूरत लुक देने के लिए। नीचे साउंडिंग सिस्टम लगा हुआ है, पूरा मूवी थिएटर का फील आएगा आपको। पीछे आपको कलर थीम मिक्स हो जाता है, जैसे ब्लैक में हो गया, रेड में हो गया, ये कलर थीम रखा हुआ है। एसी इसमें 2 टन का रहेगा, ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं जो कि लाइट्स अपने रिमोट के हिसाब से कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मूवी चलती है वैसे वैसे ही अपने रखनी है लाइट्स वैसे वैसे रख सकते हो। इसके साथ में ही बार एरिया डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आप मूवी देखते देखते ड्रिंक्स इंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ से ही सर्व कर सकते हो। ये आपका बार काउंटर हो गया, नीचे उसके स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर अपना रख सकते हो, पीछे स्पेस है जहाँ पे आप अपनी बॉटल्स वगैरह डेकोरेट कर सकते हो, दिखा सकते हो, यहाँ पे स्पेस बनाई हुई है, पीछे इंटीरियर किया हुआ है ग्लास का, इस साइड भी आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। नीचे स्पेस है जिसमें आप अपना वाइन सेलर बना सकते हो, वाइन की बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। अगर आप अपने मूवी थिएटर में नेचुरल लाइट देखना चाहते हो तो यहाँ पे विंडो दी हुई है, यहाँ से नेचुरल लाइट सीधी अंदर आ जाएगी। अब ये आपने फर्स्ट फ्लोर देख लिया, सेकेंड फ्लोर में सेम
जिम एरिया बनाया हुआ है, साथ में सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और एक चीज़ और, इस साइड मूवी थिएटर में एक पेंटिंग लगाई हुई है, अगर आप घर खरीदते हो तो यहाँ पे आप अपनी फैमिली की फ़ोटो लगा के हाईलाइट कर सकते हो, और ऊपर फोकस लाइट्स लगाई हुई हैं। तो ये आपको घर 400 गज का डिज़ाइन कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये घर तीन साइड से ओपन है तो नेचुरल लाइट काफ़ी अच्छे से अंदर आती है, और घर अंदर से काफ़ी स्पेशियस बनाया हुआ है। तो मेरे को तो पर्सनली डिज़ाइन इसका अंदर से काफ़ी प्रीमियम लगा, और अगर आप क्वालिटी देखोगे हाथ लगा के तो A1 दी हुई है। अगर इस घर के रिलेटेड आपको क्वारी है तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपने ख़रीदना है तो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।